हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आपके लिए नया व्लॉग आ चुका है। आज हम लोग आ चुके हैं पेडेस्ट्रियन ब्रिज की अपडेट देखने के लिए। इसके साथ जानेंगे कि यहाँ पे अब कैसा प्रोग्रेस हो रहा है, क्या क्या और चीजें हो रही है। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहे। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही जल्दी 5000 सब्सक्राइबर्स हम क्रॉस करने वाले हैं। तो चलिए आज के वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ चीजें बताने वाला हूँ। तो मेरे साथ वीडियो देखते रहे और वीडियो को एंजॉय कीजिए। दोस्तों, फाइनली हम लोग जा रहे हैं पेडेस्ट्रियन ब्रिज पे व्लॉग बनाने के लिए। बहुत टाइम हो गया ये टॉपिक पे हम लोगों ने व्लॉग नहीं बनाया, तो फाइनली आज आपके लिए व्लॉग आ चुका है। आप में से बहुत सारे लोगों ने बोला था कि इसकी अपडेट ज़रूर देना, तो हम अभी जा रहे हैं लाइव अपडेट देखने के लिए। अगर आपको यहाँ पे आना है तो ये है NID वाला रास्ता, यहाँ से जमालपुर कनेक्ट होता है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चेकिंग चल रही है। मास्क और हेलमेट दोनों का खूब ध्यान रखना, और इसके साथ साथ इसका लीगल वे राइट साइड से घूम के जाना है। तो हम लोग वहीं से जा रहे हैं, तो आप देख लेना एक बार। इसके साथ साथ आज हम लोग देखने वाले हैं, मेरे ख्याल से ये इंडिया का नंबर 1 पेडेस्ट्रियन ब्रिज बन रहा है। तो जब भी ये बनेगा बहुत ही बड़ी चीज़ अहमदाबाद में बनने वाली है। आज हम लोग देखेंगे वहाँ पर कैसा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। बहुत टाइम के बाद हम लोग जा रहे हैं, तो ऑलमोस्ट ये आधे से ज़्यादा ब्रिज बन चुका है। तो हम लोग देख रहे हैं, आप मेरे साथ वीडियो में बने रहे। आगे और भी इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ, तो वीडियो देखते रहे और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो हम लोग पहले देखने जा रहे हैं सर्विस स्टेशन। तो आप देख सकते हो PNR ग्रुप का। आपको हर बार मैं यह इन्फॉर्मेशन ज़रूर देता हूं क्योंकि ये यहां पे मेन कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हो यहां पे कुछ और फोटोग्राफर्स हैं, मेरे ख्याल से ये कुछ इंस्टाग्रामर्स हैं जो लोग यहां पे फ़ोटो खींचने आते हैं स्पेशली, जिसके लिए मतलब एक बैकग्राउंड लेने के लिए वो लोग यहाँ तक मेहनत करके आते हैं। तो आप देख सकते हो कितना फेमस है ये ब्रिज अहमदाबाद में। बहुत सारा यहाँ पे काम चल रहा है। आप देख सकते हो यहाँ जो रॉ मटेरियल्स पड़ा हुआ है, बहुत ही हैवी मशीन से यहाँ पे काम चल रहा होता है। अभी काम फ़िलहाल बंद था इसीलिए मैं अंदर आ चुका हूँ। आप देख सकते हो बहुत सारे मेटल्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। और इसकी डिज़ाइन की बात करूँ तो आप देख सकते हो ट्यूब्युलर डिज़ाइन है इसका स्ट्रक्चर है, जो कि काइट के स्ट्रक्चर से बनाया गया है। काइट से इन्फ्लुएंस होकर यह स्ट्रक्चर बनाया गया है। और जिसके विड्थ की बात करूँ तो 10 मीटर से 14 मीटर की इसकी विड्थ होगी। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 300 मीटर का लॉन्ग ब्रिज होगा ये पूरा, और एलिस ब्रिज और सरदार ब्रिज के बीच में ये पूरा बनाया जाएगा। तो आप देख सकते हो दोस्तों मेरे सामने बहुत ही अमेजिंग यहाँ पे काम हो चुका है। आगे का भी मैं स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही मस्तन यहाँ पे काम हो चुका है। बस यहाँ पे आपको आते टाइम ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे कोई काम ना चल रहा हो, क्योंकि बहुत ही हैवी मशीन से यहाँ पे काम चल रहा होता है। आपको आगे दिखा रहा हूँ मैं, लास्ट टाइम मैंने नीचे जाके बताया था, इस बार मैं यहाँ पे ऊपर से आपको अलग अलग एंगल से दिखा रहा हूँ कैसा दिख रहा है ये ब्रिज। मेरे साथ वीडियो में बने रहे और वीडियो को एंजॉय कीजिए।
दोस्तों आज सैटरडे है, फिर भी बहुत ही अच्छा यहाँ पे काम चल रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रिज के ऊपर, और ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें मैं आगे वीडियो में दिखा रहा हूँ। इसके साथ साथ यहाँ पे कोरोना के बावजूद भी बहुत ही ज़्यादा चहल पहल है। आप रिवर फ्रंट पूरा देख सकते हो, मैं आगे आपको पूरा रोड दिखा रहा हूँ। रिवर फ्रंट में जहाँ पे खुफिया जगह है वो भी दिखा रहा हूँ आपको, तो आप मेरे साथ वीडियो में देखते रहे। यहाँ से हम लोग थोड़ा सा और आगे जाने वाले हैं, जहाँ से आपको आउटर लुक भी पता चलेगा ये पेडेस्ट्रियन आइकॉनिक ब्रिज का। इसके साथ साथ आपको पता चलेगा कि कितने ज़्यादा लोग अभी भी यहाँ पे आ रहे हैं घूमने के लिए। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहे, वीडियो में बहुत ही आगे भी मज़ा आने वाला है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ चलते रहे।